हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, गोल्डन कलर की ड्रेस मैंने ये बनाई है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने गोल्डन गोटे का यूज़ किया है और सिर्फ उसी गोटे को यूज़ करके मैंने ये ड्रेस बनाई है। बहुत ही इजी है एंड बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस बनी है ये। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने गोटा लिया है, यहाँ पे गोल्डन कलर का ग्लू लिए मैंने, सीजर हम यूज़ करेंगे और ग्लू गन। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये चौड़े वाला गोटा लिया है, इसकी मैंने थोड़ी स्ट्रिप कट कर ली है। अब इस पर मैं ग्लू लगाऊंगी, तो आप इसके ऊपर ग्लू को स्प्रेड कर दें अच्छे से। देखिए इस तरीके से हमको ग्लू लगाना है और फिर हम मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से इवनली स्प्रेड करूंगी। तो हमको सारा एरिया कवर करना है और इसको ग्लू को इवनली हमको स्प्रेड करना है अपने गोटे के ऊपर। देखिए मैंने अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे, तो या तो आप ओवरनाइट छोड़ दें या फ़ैन के नीचे इसको रखें थोड़ी देर। तो देखिए मेरा जो ग्लू है बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो ग्लू लगाने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और हम इसकी लीव्स फिर कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके थ्रेड्स ओपन हो जाते हैं। तो अब ग्लू लगाने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो गया, एक मैंने सैम्पल लीफ कट करके रखी है, तो अब उसको मैं अपनी गोटे पर फोल्ड करके इस तरह रखूँगी और अपनी लीफ को कट करूँगी। तो एक आप सैम्पल लीफ कट कर लें और उसकी के मेजरमेंट से बाकी सब अपनी लीफ को कट करें। तो देखिए इस तरीके से मैं अपनी लीफ का कट कर रही हूँ और फिर हम इसको अपनी लीव्स को सेपरेट करेंगे बड़ी केयरफुली। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोर फोल्ड करके बनाया था, तो मेरी यहाँ पे फोर लीफ बनी है। आप इसको अच्छे से सेपरेट कर लें और इसी तरीके से हम अपनी सब लीव्स बना लेंगे। बहुत ही इजी है इसको बनाना। आप देखिए इसकी मैं अपनी लीफ बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ग्लू लगाना है और फिर एजेस को आपस में जॉइन करना है। तो हल्का सा ग्लू लगाया मैंने और फिर इसको इस तरीके से दोनों एंड्स को पकड़ के जॉइन किया। तो इसी तरीके से हम अपनी ये सब लीव्स बनाएंगे। आप थोड़ा सा हल्का सा एक ड्रॉप ग्लू का लगाएं और उसको आपस में जॉइन कर लें। यहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम अपनी सारी जो गोल्डन लीव्स हैं वो बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब बना लिए हैं लीफ। अब हम अपना ड्रेस का बेस लेंगे, जो मैंने बुकरम का कट किया है और ऊपर रेड फैब्रिक यूज़ किए। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ करें, बिकॉज हमारी वो विजिबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी लीव्स पहले आउटर लेयर लगाऊंगी और जब मैं अपनी लीफ लगाऊंगी तो उनको आपस में भी ज्वाइन करूंगी। तो थोड़ा ग्लू लगा के इनको हम आपस में भी ज्वाइन करेंगे और इसी तरीके से अपनी पहले आउटर लेयर बनाएंगे और फिर इनर लेयर बनाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस लगती है ये, और सिर्फ मैंने गोल्डन गोटा का यहाँ पे यूज़ किया है और कुछ भी लेस बीड्स कुछ नहीं लगाई है, क्योंकि ये गोटे के लीव्स लगा के इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस बनती है कि और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं लगती। हम अपनी ग्लू गन की हेल्प से इनको अपनी ड्रेस के बेस में लगाते जाएंगे और इनको आपस में भी जॉइन ज़रूर करें, तभी इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। पहले आप अपनी आउटर लेयर कंप्लीट कर लें और फिर हम अपनी इनर लेयर लगाएंगे। तो मेरे ड्रेस के बेस में मैं यहाँ पे टू लेयर्स ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो आप थ्री लेयर्स भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट लेयर रेडी हो गई है, अब मैं सेकंड लेयर लगाऊंगी। तो सेम उसी तरीके से मैं लगाऊंगी जैसे मैंने लगाई थी, थोड़ा सा ग्लू लगाना है और फिर हम उसको आपस में भी ज्वाइन करेंगे लेयर्स को। हमको अपने ड्रेस का बेस जो है वो अच्छे से कवर करना है, विजिबल नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा ड्रेस का बेस रेडी हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस का बेस लगता है ये। अब हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टू बुकरम ये गोल्डन गोटा के पीस लिए,
इनको मैंने ग्लू लगा के ऑलरेडी ड्राई किया है। अब मैं इनको थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, तो थोड़ा ग्लू लगा के हम इसको फोल्ड करेंगे। 1/4 हमने फोल्ड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएं एजेस पे और इसको फोल्ड करें, और फिर हम इसको आपस में वी शेप में ज्वाइन करेंगे, और फिर हम अब इसको अपने ड्रेस के बेस में लगाएंगे। तो थोड़ा बैक साइड में हमने जॉइंट लगाना है, और स्लीव्स को थोड़ा ग्लू लगा के फ्रंट में जॉइन करना है। तो हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस रेडी हो गई है। बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस बनती है ये, और बहुत ही इजी है इसको बनाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।